न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। महानगर के बिछिया वार्ड में जल निकासी में बाधा बन रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने किया ध्वस्त, अब लोगों को मिल सकेगी जल भराव से निजात। डीएम एवं एसएसपी की अध्यक्षता में सजनवा थाना परिसर में संपन्न हुआ थाना समाधान दिवस। डीएम ने फरियादियों की फरियाद को सुनते हुए उसके निस्तारण के दिए निर्देश, कहा 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें निस्तारण की आख्या। अतिक्रमण के खिलाफ चला नगर निगम का डंडा, जाम की समस्या से निपटने के लिए सड़कों की पटरियों पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर वसूला गया अर्थदंड। 68वीं अंतर जनपदीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता में बस्ती की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन, चल वैजयंती खिताब पर किया कब्जा। गोरखपुर की टीम रही उप विजेता, एडीजी ने विजयी खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत, कहा लौट रहा है हॉकी का दौर। जिला अस्पताल में युवक ने किया हंगामा, आग से मारकर दरवाजे का शीशा तोड़ने का है आरोप, अस्पताल कर्मचारियों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। बेसिक शिक्षा विभाग में चल रहे फर्जीवाड़ा पर बीएसए की है पैनी नजर, फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों को चिन्हित कर की जा रही है कार्रवाई, अमान्य स्कूलों को भी नोटिस, नहीं मानने पर 1,00,000 का जुर्माना। बीएसए ने कहा 25 फर्जी शिक्षकों पर हो चुकी है कार्रवाई, शेष है जांच के दायरे में, जल्द होगी उन पर भी कार्रवाई। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं केरल की राज्यपाल और सांसद रही शीला दीक्षित का हुआ निधन, कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर। वांछित चल रहे इनामी बदमाशों को पकड़वाने वालों को पुलिस देगी इनाम, एसएसपी ने कहा जनता करे सहयोग जिससे हो सके अपराधियों की गिरफ्तारी। कलेक्ट्रेट के कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कर रहे हैं कार्य, कर्मचारियों ने कहा 23 जुलाई तक कार्य पर रहते हुए काली पट्टी बांधकर जताएंगे विरोध। बेसिक शिक्षा परिषद के इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों का हुआ साक्षात्कार, बीएसए ने कहा काउंसलिंग के माध्यम से होगा स्कूल इलाज। 13वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में पूर्वोत्तर रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे को एक तरफा 24-8 से हराकर चैंपियनशिप पर किया कब्जा। तिवारीपुर और कोतवाली थाने में आयोजित हुआ समाधान दिवस, सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा पुलिस और राजस्व टीम की मदद से कराया जाएगा फरियादियों की समस्याओं का समाधान। प्रियंका गांधी को सोनभद्र जाने से रोके जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, किया मौन प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद गौरच प्रांत की छमाई प्रांतीय योजना बैठक का हुआ आयोजन, बैठक में विहिप ने की समीक्षा और अपने कार्य योजनाओं पर किया चर्चा। और गोरखपुर ऑब्स एवं गायनिक सोसाइटी के तत्वावधान में सेविंग मदर्स पर 2 से 4 अगस्त तक आयोजित होगा कार्यशाला, देश विदेश के चिकित्सक करेंगे प्रतिभाग।